हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे आई एम बैंगलोर सीरीज़ का पार्ट 17 और इसमें टोटल 23 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरी सीरीज़ बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारी आई एम बैंगलोर सीरीज़ कैसी लगी। देखो, इतनी मेहनत हमने की तो आप लोग थोड़ा सा तो कर ही सकते हो। ठीक है, और हाँ, जितने स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए उनको मैं बता देता हूँ, हमारी वेबसाइट पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएंगी, catipmat.com/MBA। ठीक है, ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप विजिट करके ज़रूर देखना। ठीक, चलो जल्दी से, आज टाइम ख़राब नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। देन टीचर्स 1 to 40 आर रिटन ऑन अ ब्लैक बोर्ड, द फॉलोइंग ऑपरेशन इज देन रिपीटेड 39 टाइम्स। इन ईच रिपीटेशन एनी टू नंबर से एंड वी करेंटली ऑन द ब्लैक बोर्ड आर इरेज्ड। A new number a plus b minus 1 is written. What will be the number left on the board at the end? देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, 1, 2, 3, 4 ऐसे कितने भी नंबर लिखे हुए हैं 40 तक, कोई भी दो नंबर आपने रेज किए, मान लो ये दोनों किए, इन दोनों का समीशन 7 - 1 6 बोर्ड पे लिख दिया, फिर ये और ये मान लो रेज कर दिया, दोनों का समीशन 8 - 1 7 लिख दिया, फिर मान लो ये और ये रेज कर दिए 6 - 1 5 लिख दिया, ऐसे करते जाना है। अच्छा, देखने में लग रहा होगा कि कितना उठपटांग क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, लेकिन ध्यान से देखो तो इसको अगर आप स्मार्टली करो तो विदिन 1 मिनट कर सकते हो। अभी इस माइनस वन को भूल जाओ, सिर्फ ए प्लस बी पे ध्यान दो। देखो, दो नंबर हैं 1, 2, 3, 4, इनको हटा के इनका समीशन नहीं तो लिखना है, इरेज करके 1, 2, 3 लिख देना है, फिर आगे जो भी उसको इरेज करके उसका समीशन, इन्हें कायदे से 1 से लेकर 40 तक का समीशन ही तो मांग रहा है, और क्या कर रहा है। तो सिग्मा इनका फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है, सॉरी n(10+1/2), तो n की जगह क्या लिख दो, 40 × 41/2, 41 × 2 = 82, 820। लेकिन आंसर मत लगा देना जल्दबाजी, अभी हमने माइनस वन पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, माइनस ये ऑपरेशन टोटल कितने टाइम्स हुआ ये भी इन्होंने लिख दिया, हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, 39 टाइम्स, यानी 39 टाइम्स ही 1 1 माइनस हो रहा होगा, बस सॉल्व कर लो, 781 ऑप्शन सी था ना। इसी तरीका हमारे चैनल पे मेरे वीडियोस एक बार देखो, टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन बताऊंगा। और हाँ, आज के वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन है उसका कई बच्चों को डाउट रहता है, मैंने बहुत इजी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, तो उसको समझ लेना। ठीक है, 23rd क्वेश्चन जो है, चलो सेकेंड लास्ट 2 डिजिट। अच्छा, एक सबसे शॉर्ट कट बताता हूँ, 7 इकलौता ऐसा नंबर है, ध्यान से रखना, 7 इकलौता ऐसा नंबर है जो डबल डिजिट का कंसेप्ट भी यूनिट डिजिट के कंसेप्ट जैसे ही रिवाइज करता है, रिपीट करता है ना, यानी इसकी साइक्लिसिटी भी डबल डिजिट में 4 की होती है, जैसे यूनिट डिजिट में 4 की साइक्लिसिटी होती है ना, वैसे ही 7 के केस में, पर्टिकुलर 7 के केस में 4 की ही साइक्लिसिटी होती है डबल डिजिट में भी। तो बस जैसे यूनिट डिजिट निकालते हो वैसे ही 7 के केस में डबल डिजिट निकाल लेना, ये आपको किसी बुक में लिखा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो वही 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर 0 में हमेशा 4th पावर देख लेते हैं, 7 की पावर 4 होता है 2401, है ना, या 49 का स्क्वायर कर लेना, लास्ट 2 डिजिट क्या आ गए, 01 ऑप्शन सी। जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें ये सब मैं छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, वो सब लिखते जाना। क्वाड्रेटिक तो बैंगलोर का फेवरेट टॉपिक लगता है मुझे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक रूट को मैं ए माइन, ये तो इसमें ही दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा माइनस वन बोल देता हूँ, एक को मैं अल्फा बोल देता हूँ और एक रूट को मैं अल्फा प्लस वन बोल देता हूँ। ठीक है, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, बी की इन्होंने स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, ये है फर्स्ट एंड थर्ड, इस पर इन्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, एक्स का जो कोफिशियंट होता है, देखो 3 होते हैं, आपको अच्छे से लिख के बता रहे हैं, 3 रूट अगर अल्फा बीटा गामा होते तो एक होता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ए हो जाता, दो दो का प्रोडक्ट का समीशन होता, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाता बी, और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाता, माइनस ऑफ माइनस सी, यानी सी। ठीक है, तो बी का पूछा है तो हमें इस चीज पे आना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हो जाएगा,
प्लस, अब इन दोनों का कर दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी। देखो थ्री अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल, बचा क्या माइनस वन इज इक्वल टू बी। अच्छा स्मॉलेस्ट पॉसिबल बोला था, तो ये चीज़ तो स्मॉलेस्ट क्या हो पाएगी, जीरो ही हो पाएगी, बाकी तो वैल्यू बढ़ते जाएगी, माइनस वन करेंगे इंक्रीज ही होते आएगा, तो अल्फा जीरो पे ही ये पॉसिबल, तो अल्फा जीरो पे बी की मिनिमम वैल्यू आएगी है ना, जो कि क्या हो जाएगी माइनस वन, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है, था ना अच्छा तरीका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ शॉप स्टोर्स एक्स के जी ऑफ राइस, द फर्स्ट कस्टमर बायस हाफ ऑफ दिस अमाउंट प्लस हाफ के जी ऑफ राइस, यानी एक्स था इसका हाफ लिया प्लस हाफ और ले लिया, ठीक है, द सेकेंड कस्टमर बायस हाफ द रिमेनिंग, तो ठीक है बचा कितना, देखो एक्स में से ये आप माइनस कर दो, एक्स प्लस वन बाय टू, तो क्या बचा टू एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस वन बाय टू ये रिमेनिंग है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बताता हूँ, बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो जब x था तो कितना बचा, इतना, यानी माइनस वन अपॉइंट टू हो रहा है, तो जब इतना है तो इसका माइनस वन अपॉइंट टू बचेगा, तो वन बाय टू कर दो, वो किसका माइनस वन होगा, इसका, तो ये क्या आ गया, इधर मैं लिख रहा हूँ x माइनस वन माइनस टू, एक्स माइनस थ्री बाय टू, टू सा फोर, ठीक है सेकेंड के लिए हो गया। अब थर्ड आया, थर्ड का भी यही, अब इसका माइनस वन अपॉइंट टू होगा, यानी वन बाय टू बाहर रखो, तो एक्स माइनस थ्री बाय फोर माइनस वन, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस थ्री माइनस फोर, एक्स माइनस सेवन बाय फोर, टू जो एट, ठीक है। देयर आफ्टर नो राइज इज लेफ्ट इन द शॉप, यानी ये वैल्यू हो गई जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई सेवन, खत्म, एक दूसरा था है ना, क्रॉस चेक करना हो तो करके देख लो, सेवन आ गई, फाइव से सेवन इसी रेंज में है, बी ऑप्शन में, फोर्थ का ऑप्शन बी, ठीक था, बहुत आसान आसान तरीके बता रहा हूँ। देखो लोग इसी क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में तीन तीन चार चार मिनट लगा देंगे, थ्री टू फोर मिनट्स लगा देंगे, आप विद इन वन मिनट आराम से कर लोगे, ठीक है। फाइव मैंने कहा ना फंक्शन क्वाड्रेटिक फेवरेट है, एफ एक्स दिया हुआ ये ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ फाइव यानी एफ की जगह फाइव रख दो, एक्स की जगह फाइव रख दो, तो ट्वेंटी फाइव ए प्लस फाइव बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू एफ टू, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, सॉल्व कर लेते हैं, ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व थर्टी सेवन ए प्लस फाइव प्लस सिक्स इलेवन बी सी प्लस थ्री सी फोर सी इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन मिल गई हमको, क्वेश्चन वन बोल दो। देखो क्वेश्चन कभी भी देख के मत छोड़ना है ना, ट्राई करना अपने आप आंसर आ जाएगा। थ्री इज द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो थ्री एक्स की जगह रख के इक्वल टू जीरो कर देते, मतलब नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी जीरो। अच्छा सी को अगर हटाना है ना, एक एक का डिफरेंस फोर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें है ना, ताकि देखो एक एक का डिफरेंस आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, दो मिनट में आप खुद ही समझ जाओगे, थर्टी सिक्स से प्लस ट्वेल्व बी प्लस फोर सी इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन टू वन माइनस टू कर दो, तो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो,
यहाँ से मुझे पता चल गया ए इक्वल टू बी है। अच्छा ए और बी कौन से उसमें आते हैं, सम ऑफ रूट्स में है ना। अच्छा एक रूट तो इसका था 3, अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी और ए तो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 1। तो दूसरा रूट एक आ गया मेरे पास माइनस वन और माइनस थ्री माइनस फोर, तो एक रूट इनका 3 था, दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस फोर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहे हैं लोग। अदर रूट माइनस फोर, ये तो हमने ऐसे ही निकाल लिया। ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए इक्वल टू बी तो आ गया, लेकिन ए बी सी की ऐसे, चलो ए और बी की तो वैल्यू मैं बता दूंगा फिर भी है ना, नहीं ए और बी की वैल्यू क्या बताऊंगा, दोनों सेम होंगी ये बता सकता हूँ है ना। तो इससे अगर सेम भी हो गया तो बी की जगह ए रख दिया तो 37 30 48 48 ट्वेल्व ए प्लस सी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व ए है ना। इससे ए और बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यू आएंगी नहीं, और ए प्लस बी प्लस सी भी निकल के आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप क्या बता दो, कैन नॉट बी डिटरमाइन, सिंपल था, देखो टफ कुछ नहीं है। ठीक है, सेवन्थ नंबर ऑफ कॉमन टर्म, ये तो अब आपके ऐसे उंगलियों पे होने चाहिए क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक इसकी भी बताता हूँ, कई लोग सिक्वेंस ढूंढते रहते हैं कॉमन वाले। पहली टर्म पर ढूंढ लो, जैसे इसमें 21 है वो लिख दो बस, आगे की टर्म बिना मेहनत के लिखा करो। इसमें डिफरेंस कितना है 4 का, इसमें क्या है 5 का, एलसीएम ले लिया करो, 4 5 से 20, यानी कॉमन डिफरेंस जो सीरीज का होगा वो 20 का होगा। अगली टर्म देखो 41 होगी, उसके बाद वाली 61 होगी, उन सो ऑन, विश्वास ना हो रहा हो तो चेक करके देख लो। ठीक है, अच्छा 417 के पहले 20 का मल्टीपल देखना है, तो एक 420 होगा लेकिन ऊपर निकल गया, तो 401 आएगी आखिरी टर्म। ठीक है, अच्छा ये तो देख के समझ में आ रहा है कि 20 अगर एक एक कम करो, 20 40 60 से 400 तक चल रहा है ना, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, 20 टर्म्स ये होंगी, बिना सॉल्व किए ऑप्शन सी लगा दो है ना। फिर भी इच्छा हो रही हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी, यहाँ से निकाल लो एन, लेकिन थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओगे आप, देख के समझ जाओगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20। एट्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीजर ग्रेटर देन 999, मतलब 4 डिजिट का नंबर होगा, 4000 से छोटा है। ठीक है, इतनों से बनाना है, 4000 देखो नॉट ग्रेटर देन 4000 लिखे, ये छोटी छोटी सी चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, यानी 4000 तो मैं ले सकता हूँ, उससे बड़ा नहीं ले सकता, तो एक नंबर तो 4000 सीधे बना लो ताकि दिक्कत ना हो, ये एक केस हो गया। अब देखो बाकी जितने भी केस होंगे, यहाँ पे मैं 4 नहीं रखूँगा, यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल 3 केस हो गए। अब इन तीनों में तो कुछ भी रखते जाओ, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 नंबर्स, 5 5 5 रिपीटेशन क्योंकि अलाउ था है ना, 5 5 ज़ा 25 125 3 ज़ा 375, प्लस 1 मैंने पहले ही कर दिया, 375 प्लस 1 376 आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कई बार दिमाग इतना तेज चलता है ना कि इन्हें मैं जब ये 375 लिखने वाला था तभी मेरे दिमाग ने प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पे मेरे दिमाग 376 ही लिख दिया है ना। कई बार ये चीज़ घातक भी हो जाती है एग्ज़ाम में, गलत आंसर इस चक्कर में लग जाता है। ये इसका फॉर्मूला तो मैंने आई एम बेंगलोर सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिगर है बना हुआ है, स्ट्रेट रेक्टेंगुलर सिचुएटेड पी, ठीक है, इनसाइड टाउन प्रोबिटेड रीजन डी है, आर्मी एरिया टाइप। ठीक है, नीलम राइड्स हर बाइसिकल फ्रॉम ए टू बी टेकिंग शॉर्टेस्ट बाइक पॉसिबल शॉर्टेस्ट चूज। ठीक है, शॉर्टेस्ट ही जाना है ए से बी, देखो पहले इसको ए से आप लोग पी तक पहुंचाओ, क्योंकि पी से ये डायरेक्ट इधर तक आ जाएगी, फिर पी से बी तक, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, रो और कॉलम का एडिशन, 2 by 2 का यानी 4 factorial अपॉन 2 factorial इंटू 2 factorial इंटू, अब यहाँ से यहाँ ये तो एक ही हुए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 और ये है 2, फैक्टोरियल 6 by factorial 4 इंटू फैक्टोरियल 2 है ना, 4 से 4 कैंसिल, 6 5 4 3, 2 से 1 2 कैंसिल कर दो, बचे 2 2 ज़ा 4, ये टोटल 90 केस बन गए है ना, कैलकुलेशन जितनी तेज करोगे उतना अच्छा।
सिंपल था ये तो, 90 केस ऑप्शन डी। नीलम राइट हर वर्टिकल ए टू क्लब सी वाया बी। अच्छा ए से सी जाना है बी होते हुए, ठीक है यहां तक जाना है। तो यहां तक तो हमने 90 केस निकाल ही लिए, अब इसके आगे देख लेंगे ठीक है। तो सीधे सीधे 90 इंटू तो लिख ही दो। अच्छा ये लोग भी स्मार्ट हैं, देखो सब ऑप्शन इसको छोड़ के 90 का मल्टीपल ही है, ये भी नहीं है, मतलब ए और बी में तो अभी भी कंफ्यूजन है। ये तुक्का लगाने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अगर तीन ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो जाते तब तो आप एक लगा ही देते, क्योंकि 90 का मल्टीपल तो होना ही है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने, 1 2 3 4 5 6 और 2, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 2, तो 8 इंटू 7 अपॉन 2, 28 केस। लेकिन 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 पूरा प्रोसेस ध्यान से समझ लेना ताकि दिक्कत ना आए, ये जितने भी पॉइंट में डी आया होगा वो सब तो हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी रीजन था। तो अब बी से डी तक के देख लो टोटल कितने, 1 2 3 4 है ना, ऐसा रेक्टेंगल बना लो, 4 और 2 का है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 5 से 30 बाय 2 15। तो टोटल केस कितने होंगे, 28 वेज में से 15 वेज मुझे माइनस करनी पड़ेंगी, तो 13 वेज आएंगी ठीक है। तो 13 वेज हैं बी से सी जाने के, तो 90 इंटू 13, 13 9 से 117 0, ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, था ना अच्छे अच्छे खतरनाक क्वेश्चन है ठीक है। 11th, देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल एफ वन बाय एक्स की अगर बात करें तो ये 1/fx होता है ठीक है। अच्छा कमेंट सेक्शन में इसका प्रूफ बताओ, और जिनको ये पता है उनके लिए क्वेश्चन एक सेकंड का हो गया। एफ टू फोर है तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/f2 ना 1/4 ऑप्शन बी। तो जितने मेरे वीडियो कोर्स वाले बच्चे होंगे उनके लिए तो ये क्वेश्चन एक सेकंड का होना चाहिए, और बाकी जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज़ पता चली गई ठीक है। कमेंट में बताना प्रूफ इसका अगर बता पाओ तो ठीक है। चलो 12th, अच्छा 12th क्वेश्चन भी कई बच्चे सोचेंगे देख के, अरे यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे बोलेंगे अरे ये तो बहुत ही ईजी है, ओरल कर सकते हैं इसको तो है ना। ये डिजिटल सम की बात कर रहा है, डिजिटल सम का मतलब होता है कोई भी नंबर दे दिया उसको तब तक ऐड करते जाओ डिजिट्स को जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे 248 को इन्होंने बताया, ये 248 को पहले 14 या फिर 1/4 को लिख दिया 5 फिर 5 है ना। अब n इज लेस देन 15 बोल रहा है, कितने की वैल्यू 9 होगी। 9 पता है क्यों पूछा इसने, क्योंकि ये सिर्फ 9 ही पूछ सकता था। पूछो क्यों, क्योंकि 9 में ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है ध्यान से सुनना कि सम ऑफ डिजिट्स उसका हमेशा 9 होता है। 9 की टेबल उठा लो, सम ऑफ डिजिट्स हमेशा 9 आएगा डिजिटल सम ठीक है। तो बस 9 की टेबल पूछी थी लेस देन 500 में, तो क्या हो जाएगा 9 18 एंड सो ऑन, आखिरी नंबर क्या होगा 495। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दो, तो 495 माइनस 9 कितना हो गया, अपॉन 9 का ही डिफरेंस है, प्लस 1 55 है ना। ये फॉर्मूला पता है ना कौन सा लगाया, ये वाला लगाया है ना। तो पहले एल माइनस ए कर दिया मैंने, फिर डिवाइडेड बाय डी किया था, फिर प्लस 1 किया था ठीक है। तो 55 ऑप्शन ए, सिंपल था ये भी ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 13th, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और ए सी की लेंथ दी हुई है, ये ट्राइंगल बना लिया हमने ए बी सी 17.5 एंड 9, डी पॉइंट है लाइन सेगमेंट बी सी पे, सजेक्ट ए डी परपेंडिकुलर, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए डी, ए डी की लेंथ दे दी 3 रेडियस। कैपिटल आर पूछा है, कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, सिंपल क्वेश्चन था। तो आर देखो एक 17.5 इंटू 9 इंटू बी सी लिख देता हूँ, हो गया तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ बेस क्या है बी सी इंटू हाइट क्या दी हुई है 3, बी सी से बी सी कैंसिल, ये 2 आ गया, ये 3 3 9। अब ऊपर सॉल्व कर लो,
अपॉन टू 26.25, ऑप्शन ए। एक चीज मेरी पर्सनल सजेशन है, मान लेना ये क्वेश्चन अगर मान लो टीटा टाइप में आ गया या क्लोज ऑप्शन आए, तो हल्की सी भी गलती कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर का यूज़ ज़रूर किया करना, ठीक है, ये मेरी पर्सनल सजेशन है, बाकी मानना ना मानना तो आप लोगों के ऊपर है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, तीन साइड अगर ट्रायंगल की ए बी सी, तो एक तो हमें पता है दो साइड के डिफरेंस से हमेशा थर्ड साइड बड़ी होती है और छोटी होती है उन दोनों के समेशन से। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद होनी चाहिए, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हम सब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होगा, लेकिन कई लोग हो सकता है ये ना जानते हो, ये होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इन्होंने क्या पूछा है? ऑब्ट्यूज मतलब ये वाला केस। अब देखो तीसरी साइड x है, अब ये मुझे ये नहीं पता कि x सबसे बड़ा है कि 15 सबसे बड़ा है। अच्छा, लेकिन एक चीज पता है, 15 प्लस 8 क्या होगा? 23, और 15 माइनस 8 क्या होगा? 7। यानी x की वैल्यू क्या होगी? 7 से लेके 23 के बीच में होगी। लेकिन इसमें तो सारे ट्रायंगल कवर हो जाएंगे, राइट एंगल भी हो सकता है आ जाए, एक्यूट भी आ जाए, ऑब्ट्यूज भी आ जाए, हमें सिर्फ ऑब्ट्यूज बताना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा होता तो हम गिन लेते, है ना, 8, 9, 10, 11, 15 ट्रायंगल होंगे, है ना, ये तो टोटल ट्रायंगल हो गए, ठीक। ऑप्टिव्स कितने होंगे? देखो पहले मैं मान लेता हूँ 15 सबसे बड़ा है, तो 15 का स्क्वायर ग्रेटर देन 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, माइनस कर देता हूँ 161 शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अच्छा, 13 का होता है 169, है ना, इन्हें ये 12 point something होगा, 12 पॉइंट समथिंग से छोटी वैल्यू होगी x की, यानी 12 हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 7 से बड़ी बात करें तो 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक, है ना, इंटीजर है इसलिए, ठीक। अब x को अगर मैं सबसे बड़ा मान लेता तो क्या लिखता मैं? एट 15 17 होता है, x should be greater than 17, 17 पे right angle triangle हो जाएगा, ध्यान रखना। तो greater than 17 क्या हो गया? 18, 19, 20, 21, 22, तो 5 ये 5 ये, total 10 obtuse angle triangle होंगे, है ना, 10 obtuse, 15 में से एक आपका वो आ गया था right angle, बचे हुए 4, है ना, 4 acute होंगे। मैंने सब answer बता दिए आपको, एक्यूट वाले कौन से होता है? 7 से बड़ा, 8, 9, 12, 16, ये एक्यूट वाले हो जाते। देखो बहुत सारी चीजें बता दी, है ना, 17 पे क्या आ जाता? राइट एंगल, और ये सब क्या है? ऑब्ट्यूज, ठीक। चलो अगला, कंसीडर ए स्क्वायर ए बी सी डी, एक स्क्वायर बना लेते हैं, ए बी सी डी, ई एफ जी एच मिड पॉइंट है इनके, ई एफ जी एच लेट एल डिनोट द पासिंग एफ और एच से एक लाइन पास हो रही है एल। कंसीडर पॉइंट पी एंड क्यू ऑन एल इन साइड ए बी सी डी, इन साइड मतलब पी इधर होगा, क्यू इधर होगा, सडन एंगल ए पी डी, ए पी डी यानी इसको इससे मिला दो, बी क्यू सी, बी क्यू सी, ये था पी, ये था क्यू, बोथ 120। अच्छा, ऐसे मिड पॉइंट से जा रहा था तो ये 60-60 के होंगे, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। वॉट इज द एरिया ए बी क्यू सी, ए बी क्यू सी डी पी होगा, डी पी, हाँ ये एरिया पूछा है, टू द रिमेनिंग, रिमेनिंग ये वाला ट्रायंगल का, ठीक है, ज्यादा दिखने में टफ है लेकिन है नहीं। पूरी साइड अगर मैं एक ही मान लू तो देखो ये भी ए होगा, ए बाय टू होगा। अब अगर 60 डिग्री ए है
मुझे हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है बेसिकली स्ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए, तो ये हाइट होगी, ये निकाल लेता हूँ। तो परपेंडिकुलर अगर ये 1060 लगा दो, 1060 क्या होता है, रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई टू अपॉन हाइट को एच बोल देता हूँ, तो हाइट क्या आ गई ए बाई टू रूट थ्री, है ना। अब इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस तो पूरा ए ही रहेगा, है ना, पूरे ट्रेंगल का निकालना है, इंटू हाइट ए बाई टू रूट थ्री। अच्छा ऐसे दो ट्रेंगल हैं तो इंटू टू कर दो, तो ये टू से ये टू कैंसिल, क्या आ गया ए स्क्वायर बाय टू रूट थ्री, है ना। अच्छा और ये रिमेनिंग एरिया, स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ये रिमेनिंग आ गया ए बी क्यू सी पी जो भी पूछा था इन्होंने, तो ए स्क्वायर इंटू टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री, अपॉन रिमेनिंग बोला था तो अपॉन ए स्क्वायर बाय टू रूट थ्री, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो फाइनली क्या हो जाए टू रूट थ्री माइनस वन, ऑप्शन सी। सिंपल था, दिखने में क्वेश्चन टफ होते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 16, इसका भी शॉर्टकट फार्मूला मैंने बताया हुआ है, देखो लिख लो ए वन प्लस ए टू अप टू ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स ए आर तक है, पावर एन है, नंबर ऑफ डिस्टिंग टर्म्स होती है एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन, यानी 23 माइनस वन 22 सी टू, तो 22 इंटू 21 बाय टू 231, ऑप्शन ए। सिंपल था, 17 18 इस टाइप का क्वेश्चन अब आया तो मेरे ख्याल से एलआर में आना चाहिए, लेकिन एलआर में भी आ गया तब तो आपको और खुश हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, फाइव हॉर्स हैं, रेड वाइट ग्रे ब्लैक स्पॉटेड पार्टिसिपेटेड इन अ रेस, एज पर द रूल द रेस द पर्सन बेटिंग ऑन द विनिंग हॉर्स गेट फोर टाइम्स, फर्स्ट में आपको फोर टाइम्स मिलेगा, सेकेंड में थ्री टाइम्स, और थर्ड में क्या हो रहा है रिटर्न हो जाएगा आपका, जो भी आपने अमाउंट दिया था वो रिटर्न वापस मिल जाएगा उतने रुपए आपको। वो फोर्थ और फिफ्थ ने आपने जो लगाए थे वो लॉस हो गया। अब राजू ने क्या किया, रेड पे 3000 लगाए, व्हाइट पे 2000 लगाए और ब्लैक पे 1000 लगाए, फिर क्या हुआ इनके साथ, भाई साहब के साथ कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। चलो तो देखते हैं, देखो फर्स्ट कैसे लिखूं, ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे मैं सब कुछ आपको समझा पाऊँ, है ना, बार बार स्क्रॉल करने में वो समझाने में दिक्कत हो जाती है, है ना। देखो फर्स्ट कौन सा हॉर्स आया होगा, सेकंड कौन सा आया होगा, थर्ड कौन सा आया होगा, फोर्थ कौन सा आया होगा, फिफ्थ कौन सा आया होगा, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। और एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तब तो फिर क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रह गई, है ना। तो देखो फोर टाइम्स है, तो देखो टू और थ्री का तो फोर टाइम्स हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि 6000 टोटल इसने लगाए हैं तो उनका तो 6000 से ऊपर हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में इसको 6000 ही हमें लुटाने, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक फर्स्ट आ सकता है। अगर ये फर्स्ट आ गया 4000 तो इसको 2000 दिलवाने पड़ेंगे, 2000 तो क्या हो रहा है अमाउंट इसका जब रिटर्न होगा, यानी थर्ड रैंक पे इसका क्या आ जाएगा वाइट। हाँ रेड यहाँ पे नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे रेड नहीं आएगा, है ना। अब बाकी कोई कहीं भी आ सकता है, सिर्फ यही एक कंडीशन बच गई, है ना, ब्लैक और स्पॉटेड कहीं भी आ जाएंगे, यहाँ पे ब्लैक या स्पॉटेड आ जाएगा, नहीं 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 कौन सा आ गया, ब्लैक और वाइट, ग्रीन और स्पॉटेड, है ना, ग्रीन और स्पॉटेड यहाँ पे कहीं आ जाएगा, बचे हुए इधर इधर, इतना सही सिर्फ, ठीक है। और कैसे 6000 दे सकता हूँ, 3000 का डबल अगर कहीं हो रहा है, डबल वाली कोई कंडीशन ही नहीं थी, तो 3000 डबल तो नहीं कर सकता, ठीक है, 3000 का ट्रिपल भी नहीं, 3000 सिर्फ एक ही बार दिलवाऊँ,
और 3 times 1000 को करा दूँ। हाँ 3 times कब हो रहा था, सेकंड में, सेकंड में मैं कर दूँ ब्लैक, है ना, 1 3 3 times हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूँ रेड, है ना, 3 और 3 6000 ऐसे मिल गया। बस यहाँ पे अब क्या मत दे देना, वाइट इधर मत कर देना, बाकी जो जहाँ करना है कर देना। ये एक 6000 हो गया, और कैसे आ सकते हैं 6000, 3 और 3 हो गया, वाइट का 2 3 6 हो सकता है, वाइट को आप इधर कर दो सेकंड पोजीशन पे, है ना, वाइट को सेकंड पे कर दो। तो यहाँ पे ग्रे या स्पॉटेड ही देना, यहाँ पे भी ग्रे या स्पॉटेड ही देना, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी दे दो, वाइट रेड में, नहीं वाइट रेड नहीं, वाइट तो हो गया, रेड ब्लैक में, रेड ब्लैक में इन दोनों में कुछ भी दे दो। और कोई कंडीशन है 6000 की, देखो वाइट को मैं थर्ड पोजीशन पे लाया, वाइट को सेकंड पे लाया, वाइट को फर्स्ट पे ला नहीं सकता, रेड को फर्स्ट पे ला नहीं सकता, रेड को सेकंड पे भी नहीं ला सकता, रेड को थर्ड पे ला सकता था वो ले आया, है ना। ब्लैक को फर्स्ट पे भी ले आया, सेकंड पे भी, थर्ड पे ब्लैक को ले भी आऊँगा तो यार बचे हुए 5000 आ नहीं पाएंगे। तो यही 3 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, एटलीस्ट 2 हॉर्सेज फिनिश बिफोर स्पॉटेड, कैन नॉट बी ट्रू, स्पॉट के पहले, हाँ हो सकता है, इसी केस में हो सकता है, सेकंड केस में भी, देखो मैंने जो केस बनाया 3 केस, फर्स्ट में भी पॉसिबल है, सेकंड में भी पॉसिबल है, थर्ड में बस पॉसिबल नहीं था, थर्ड में भी पॉसिबल है अगर स्पॉटेड थर्ड रैंक पे आता तो, तीनों केस में पॉसिबल है। रेड लास्ट फिनिश, देखो थर्ड केस में रेड लास्ट फिनिश कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। देयर वर 3 हॉर्सेस, ब्लैक और स्पॉटेड के बीच में 3 हॉर्स हैं बोल रहा है, ब्लैक और स्पॉटेड के बीच में, ब्लैक इधर स्पॉटेड आखिरी में ले आऊं, पॉसिबल है ना, पहले केस में पॉसिबल है, लास्ट में भी शायद पॉसिबल था, हाँ थर्ड केस में ही पॉसिबल है। वाइट और रेड में 3 हॉर्स आएंगे, वाइट और रेड, देखो वाइट अगर थर्ड पोजीशन पे तो रेड और वाइट के बीच में 3 हॉर्स आ ही नहीं सकते, वाइट और रेड इसमें भी देखो रेड अगर इधर आएगा तो वाइट और रेड के बीच में 3 नहीं हो सकते, और इसमें भी वाइट और रेड के बीच में 3 नहीं हो सकते, रेड नीचे भी लेता तो 2 ही हॉर्स मैक्सिमम आ सकते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रू वाला होगा, ठीक है। सपोज इन एडिशन इट इज नोन दैट ग्रे कैम इन फोर्थ, ग्रे फोर्थ पे आ गया, तो ये केस तो नहीं होगा, इन दोनों केस में ग्रे फोर्थ पे आ सकता है, ठीक है। तो आगे क्या पूछ रहे हैं ये लोग, कैन नॉट बी ट्रू, स्पॉटेड फर्स्ट, हाँ इस केस में फर्स्ट पे हो सकता है, स्पॉटेड सेकंड केस में ये पॉसिबल है, इसको हटाओ, कैन नॉट बी ट्रू। रेड लास्ट फिनिश करेगा, कर सकता है वो फर्स्ट केस में, वो लास्ट पे फिनिश कर सकता है, ठीक है। वाइट सेकंड आएगा, वाइट सेकंड नहीं आएगा, है ना, वाइट सेकंड नहीं आएगा, इसमें तो वाइट थर्ड पे था और इसमें सेकंड पे नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रू नहीं हो सकता, ऑप्शन सी। ब्लैक कैम सेकंड, डी भी चेक करवा देता हूँ, देखो ब्लैक सेकंड केस में सेकंड पे था, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, 2 सर्कल्स बोथ रेडियस 1, ये 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट द सर्कमफेरेंस ऑफ विच पासेस, अच्छा ये इस टाइप का केस, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, हमेशा याद रखना अगर सेंटर से पास हो रहे हो तो ये 1 होगा, ठीक है, हटा देता हूँ। एरिया बताना है, ठीक है, इसको आर बोल दो ताकि आप लोग पर डेरिवेशन कर लो, ये देखो आर, ये 120 होगा, 60 ऊपर 60 नीचे, है ना, ये आर, ये आर, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर से देखो, मुझे इतना एरिया पता चल जाएगा, ध्यान से देखना, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, है ना, तो पाई आर स्क्वायर बाय 3, या आगे इसमें से अगर मैं ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो देखना मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये आधा पार्ट मिल जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ट्रेंगल का एरिया माइनस करने के बाद, अब इस पार्ट का मैं डबल कर दूंगा, है ना, तो मुझे ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा डबल करने के बाद, क्वेश्चन में आई, बस इतना सा सॉल्यूशन था। तो माइनस क्या करना है, √3/4
अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अब राइट एंगल नहीं रहा ना, वो सॉरी वो नहीं रहा, क्या बोलते हैं उसको, आर आर इक्विलेटरल नहीं रहा, तो हाफ ए बी साइन थीटा होता है फॉर्मूला, तो हाफ आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन 120। अब साइन 120 क्या होगा, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, कॉस 30, कॉस 30 क्या होता है, √3/2, √3/4 r². चलो वही आ गया है ना, तुक्के में भी सही हो जाता है, लेकिन सही यही था जो मैंने कराया है ना, ये माइनस कर दो इंटू टू कर दो क्योंकि अभी मैंने बताया, तो क्या हो गया 2π/3। अब r की जगह 1 रख देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, -√3/2, ऑप्शन डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी इसमें। रहीम प्लान्स टू ड्राइव फ्रॉम सिटी ए टू स्टेशन सी एट ए स्पीड 70। टू कैच ट्रेन अराइविंग फ्रॉम बी ही मस्ट रीच सी एट लीस्ट 15 मिनट बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। द ट्रेन लिव्स बी लोकेटेड 5 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। ये ए है, इसके 500 किलोमीटर पे बी है। एट 8 AM ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आर। इट इज़ नोन दैट सी इज़ लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इधर कहीं होगा। विथ बी सी 60 डिग्री ए बी से है, कहानियाँ जबरन की हैं, ये 60 डिग्री। ऑल्सो सी इज़ लोकेटेड साउथ एंड साउथ वेस्ट, इन्हें ये बीचों बीच ही होगा इनके, इन्हें इधर साइड कहीं। विथ ए सी से 30 डिग्री बना रहा है ये, ए सी ए बी से, हाँ 30, 30 60 है तो ये 90 ही होगा, ठीक है। अगर ये 500 है ना, तो यह है इसको निकालूँ तो साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू सी बी अपॉन 500, ये 250 होगा, और ये 250 है तो 1060 लगाऊंगा तो √3 आना चाहिए, तो ये 250 √3 होगा, ठीक है। अच्छा बी से ट्रेन जा रही थी 50 की स्पीड पे 8 AM पे, है ना, तो 250/50 कर दो, टाइम पता चल जाएगा, 5 आवर्स, 5 आवर्स मतलब 1 PM पे ये सी पे पहुंच जाएगी। अब इसको कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचना है, ठीक है, अब इसको घर से कम निकलना पड़ेगा। अच्छा इसकी स्पीड तो पता ही है हमें, 70 है, तो 250 √3 अपॉन 70, इससे ये गया, इसका टाइम देख लेते, तो 25 × 1.73/7, ये कैलकुलेटर से करना ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। मेरा पेन भी अभी हैंग होना था, कोई बात नहीं, √43/7 6.17 है ना। अच्छा 0.17 को इंटू 60 कर देता हूँ तो 1.7 × 6 10.2 मिनट्स। अब देखो पहले 6 आवर पीछे ले आते हैं, तो 1 PM से 6 आवर पीछे ले आओ, 7 हो गया, 7 AM, 7 AM में 10 मिनट और पीछे कर दो, मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि पॉइंट में आया, तो 6:50 अप्रॉक्स आएगा, और इसको 15 मिनट पहले पहुँचना था, तो 6:50 के भी 15 मिनट पहले पहुँचे तो 6:35 के आसपास आएगा, ऑप्शन में नहीं दिख रहा लेकिन उसके क्लोज ऑप्शन क्या है, 6:30, तो ऑप्शन बी लगा दो, था ना खतरनाक। ये अभी जो मैंने बोला ना, इसको बार बार रिवाइंड करके सुन लेना अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हुआ हो तो, ठीक है। अच्छा कैट के 2 दिन पहले अगर सुन रहे हो तो आंसर याद कर लेना। 21, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक में मान लेता हूँ x माइनस 1 है, एक है x और एक क्या हो जाएगा x प्लस 1, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस पे ध्यान रखना। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पावर इनको कर दिया, फिर ऐड कर दिया, यानी x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का क्यूब, सीधे क्यूब लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये क्या आ रहा है, द सम इज ऑब्टेंड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट इक्वल टू द 3 ओरिजिनल इंटीजर्स।
अच्छा स्क्वायर रूट है सब, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है किसका, इन तीनों के एडिशन का, इन तीनों का एडिशन तो 3x, इसका स्क्वायर ये आ रहा है। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब रहा है ना, एक्स स्क्वायर 3, 4x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5x स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 3x और x प्लस 4x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अच्छा x के लिए 0 लूँगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा एक नंबर, इन्होंने क्या कहा था पॉजिटिव इंटीजर है तीनों, तो इसको x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लिख दो, तो x की वैल्यू 4 और 1 आ जाएगी। 1 लूंगा तो भी देखो 0 आ जाएगा, 1 भी नहीं ले सकता है ना, क्योंकि तीन पॉजिटिव इंटीजर थे, तो x की जगह 4 रखो, तो 4 माइनस 1 3, 4 और 5 ये इंटीजर्स होंगे 3 4 5। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मिनिमम से m, मिनिमम तो 3 ही है, 3 इंटीजर्स 3 इसी में आ रहा है, इसी रेंज में, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था ना, मजा आ रही होगी ये सब करके। 22 इसकी शॉर्ट ट्रिक में बता चुका हूँ, देखो एग्जाम में आप दिमाग मत लगाना है ना, पैटर्न देख लो, आखिरी टर्म क्या है 2022, आंसर याद कर लो 2022 माइनस 1 बाय 2022, ऑप्शन ए लगा देना। ठीक है सॉल्व करोगे ना, जैसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व कर लो 2 माइनस 1 बाय 2 आएगा है ना, देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 बाय 4 9 बाय 4, 9 बाय 4 का रूट 3 बाय 2, 3 बाय 2 को मैं 2 माइनस 1 बाय 2 लिख सकता हूँ। ठीक है अब देखो फर्स्ट रूट तो 3 बाय 2 था, दो करके बता देता हूँ, इसको भी सॉल्व कर लो, 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 9 36 ले लो है ना, 36 प्लस 9 प्लस 4 36 और 13 49 बाय 36 7 बाय 6 है ना, सॉल्व कर लो तो क्या आएगा 16 बाय 6 को 8 बाय 3 लिख दो। अब 8 बाय देखना, ये 3 था, 3 माइनस 1 बाय 3 कर लो, 8 बाय 3 आ गया, वैसे ऐसे चलते आएगा, जो भी आखिरी टर्म होगी वो माइनस 1 बाय वही, तो अगर लास्ट टर्म तक x होता तो x माइनस 1 बाय x याद कर लेना। ठीक खतरनाक थी ना शॉर्ट ट्रिक। अब आज का आखिरी क्वेश्चन हो, बहुत दिमाग वाला है ना, ध्यान से सॉल्यूशन देखना। एक राइट सर्कुलर कोन है बेस रेडियस और ये दी हुई है, सिलेंडर को इसमें कर दिया, सरफेस एरिया मुझे मैक्सिमम चाहिए सिलेंडर का, ये आपने कोन बनाया, इसके अंदर एक सिलेंडर ले लिया, अब ध्यान देना ये आर ये एच जो भी होगा, अच्छा इसकी रेडियस क्या है 4 और हाइट कितनी है 10। तो देखो ये ट्रायंगल जो है और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर आर बाय एच इसकी बात करूं इज इक्वल टू आर इसका क्या 4 बाय 10, एच 2 बाय 5, तो इसकी रेडियस को मैं 2x मान लेता हूँ, तो हाइट क्या हो जाएगी ये वाली 5x, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 10 माइनस 5x है ना, सॉल्व कर लें, लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है 2x इंटू आर प्लस एच, आर क्या है 2x प्लस एच क्या है 10 माइनस 5x है ना, तो 4 पाई अंदर देखो 10 माइनस 3x इंटू एक्स, तो 4 पाई 10x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है अच्छा क्वाड्रेटिक आ गई यहाँ पे, अच्छे से लिखूँ तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x, क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था माइनस बी बाई 2a पे मैक्सिमम होता है, तो माइनस बी बाई 2a, ये क्या है 3 माइनस में 5 बाय 3 आया, x की जगह 5 बाय 3 रख दो, खत्म है ना, माइनस 25 बाय 9 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 5 बाय 3। ठीक है
माइनस 25 25 है ना, तो 25 फोर जा 100 पाई बाय 3, यही था ऑप्शन ए। तो कितने आसान तरीके से समझा दिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक का वो माइनस बी बाय 2 है, आप हर जगह फिट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।